पापा। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। पापा। हाँ। मेरा ये सोच के ना मन बहुत ऐसा पिघल सा रहा है कि जीजा जी और उनके भाई पुष्पेंद्र जी उनका झगड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पंचम जी और पुष्पेंद्र जी का पैचअप करवा दूंगी आज के आज ही। देखिए इलायची जी, आप पुष्पेंद्र को जानती नहीं है। अरे जान पहचान ही तो बढ़ानी है। देख वैसे हमें कोई मतलब ना, भाई तेरा भाई है, तू जाने। चल एक काम कर, फोन लगा। अब मैं लगा देती हूँ। ला मैं लगा देता हूँ। नहीं नहीं मैं बात करती हूँ ना। एक मिनट रुक जा। अरे नंबर तो मैं ही लगाऊंगी ना। अच्छा लगा, चल। देखिए मत करिए सब, हमें ऐसा लगता है इसका कोई। अरे लगी लगी लगी, कॉल लगी, कॉल लगा लगा। हेलो पुष्पेंद्र जी, मैं इलायची। हेलो इलायची जी, बोलिए। एक मिनट। ओहो, अरे ये मेरी टेबल पे 500 के नोटों की गड्डी किसने रख दी? हटाओ इसको। हाँ इलायची जी, बोलिए। मैं ये बोल रही थी ना कि जब से मेरे पापा ने सुना है ना कि आप जीजा जी, मेरा मतलब पंचम जी के ये हैं भाई। हाँ। तब से ना वो आपको घर बुलाना चाह रहे थे बड़ा। नो नो इलायची जी, घर मैं नहीं आ सकता। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास आने जाने के लिए एक ही हेलीकॉप्टर है, और जो कि अभी सर्विसिंग के लिए गया हुआ है, तो बिना हेलीकॉप्टर में कैसे आ सकता हूँ? सॉरी। तो एक काम कीजिए, आप प्लीज कार से आ जाइए, मतलब थोड़ा टाइम निकालिए ना अपने भाई के लिए, थोड़ी सी तकलीफ सह लीजिए, कार से आ जाइए तकलीफ सह के। ला मैं बात करता हूँ। बिजी लग रहे हैं बहुत ज्यादा। कर कर। और आपको भी तो सेम ही बात करनी है ना। हाँ। मैं करती हूँ। हाँ, कर। हेलो पुष्पेंद्र जी, तो मैं ये कह रही थी कि आज लंच पे मिले। ओके ओके, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो फिर आ जाते हैं। ओहो, अरे ये मेरी टेबल पे इतना गोल्ड किसने रख दिया? हटाओ इसको। 50 तोले की चैन? अरे नहीं बनवानी मुझे 50 तोले की चैन, ले जाओ उसको। हाँ इलायची जी, तो फिर आते हैं लंच पर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय। हेलो पुष्पेंद्र जी, मैं मुरारी लाल। रख दिया। कोई बात नहीं ना, वैसे भी आ रहे हैं लंच पे, बस अब दो भाइयों का झगड़ा खत्म और नए रिश्ते की शुरुआत। यही मैं सोच रहा हूँ। देखिए लाइसी जी, सेठ जी, हमें अच्छा लगा कि आप हमें मिलाना चाहती हैं, लेकिन हम उस नालायक से कतई नहीं मिलेंगे, हमने ये फैसला कर लिया बस। क्यों ना मिलेगा तू, क्यों ना मिलेगा, ये बता, तेरे भाई के ऊपर माता आई हुई है क्या? चल आज घर पे ही रहियो, बता रहा हूँ मैं, आज आमने सामने बैठ के फैसला होगा, बस बात खत्म। टंटन भी ना, काम के भगत पता ना कहां मर जाता है, जब भी कहो काम है गायब। पापा, 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 बता। पता है अभी मैंने क्या देखा? क्या क्या क्या? मैंने देखा। हाँ। पुष्पेंद्र जी। हाँ, पुष्पेंद्र जी। हाँ। पुष्पेंद्र जी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मतलब हाँ। कि वो ना हमारी पतली गली में घुस ही नहीं रही थी, तो पता है मैं ना बाहर रोड पे पार्क करवा के आ रही हूँ। ट्रक ले आया है क्या? नहीं पापा। हाँ। वो होती है ना 2-2.5 करोड़ वाली, अरे यार जो जीके और साउथ एक्स वाले चलाते हैं, वही वाली। इतनी बड़ी गाड़ी लाया। अरे वाह। How you doing? How you doing? Nice place. You must be Mr. Bansal, right? Murari Bansal. Ji. Pushpan ji, na. Yes. Baithiye. Thank you. आप
आप अकेले आए हैं? जी सेठ जी। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आप मेरे ब्रदर के सेठ जी हैं तो मैं भी आपको सेठ जी बुलाना चाहूंगा। एनीवे ये देखिए, ये हम आपके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं। आज सुबह ताजा ताजा मैंने अपने प्लेन से दुबई से मंगवाया फॉर द बंसल फैमिली। प्लीज पुष्पेंद्र जी हैं। नमस्ते। हाय आंटी। क्यूट। ओह थैंक्स ब्रो। एनी टाइम। आप ये शक्ल तो एकदम आपके भाई पर गई है। पुष्पेंद्र जी, मतलब ड्राई फ्रूट्स लाने की क्या जरूरत थी है? देखिए क्या है कि आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपकी खातिरदारी करनी चाहिए। वापिस लाइए। थैंक यू सो मच। वेल ड्राई फ्रूट्स लाने की काफी रीजंस हैं। फर्स्ट बीइंग ये देखिए, ये क्या है? अखरोट। और इसकी सूरत किससे मिलती है? अब वो जो सुबह करते हैं ना वो। नो ब्रेन, इट रिजेंबल्स द ब्रेन, इसीलिए ये आपकी ब्रेन के लिए अच्छा है। ये बात तो है, ये बात तो है। अभी सेम लॉजिक के हिसाब से जी, ये देखिए, ये काजू, इसकी सूरत किससे मिलती है? किडनी, किडनीज, resembles the kidneys, good for your kidneys, Mr. Bansal. हाँ ये बात तो है। अच्छा ये बताइए, ये बादाम किस समय तलता है? बताता हूँ, सेठ जी, समझ। नमस्ते। बेटू, तू कैसा है, यहाँ कैसा आया? सेठ जी पैसा लेने आया हूँ। कौन से पैसे? वो क्या है ना, इलायची 2 किलो ड्राई फ्रूट्स ले गई थी और पैसे का हिसाब किताब आपके खाते में लिखने को कह गई थी। अब मेरा मालिक मुझे गालियां दे रहा है। इलायची 2 किलो ड्राई फ्रूट कहाँ गए, कहाँ बांट गई तू? हाँ पापा, बाटे ही तो है। वो मैंने सोचा कि इतना अच्छा, इतना शुभ दिन है और इस दिन पे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स खरीद के मुझे बच्चों में दान दे देने चाहिए। मैंने ठीक किया ना पापा? 2 किलो ड्राई फ्रूट्स, ब्यूटीफुल। अच्छा किया इसने, बहुत बहुत नेक काम किया है। अच्छा सुन बेटू, चल ले, ले ले जा, मैं बाद में तेरे सेठ से बात कर लूंगा, जा। बचपन से ही जो है दान पुण्य करने का इसका हमेशा कर रहा। इतने सारे पैसे, इतने मतलब लोगों बांट दिए, कभी अपने पास ना रख के दूसरों की हमेशा मदद करती रही है ये। वो क्या है ना पापा, अगर लेफ्ट हैंड से दान करो तो राइट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। सीक्रेट। मुझे भी तो ना पता लगने दिया तूने कभी कुछ। पुष्पेंद्र जी आइए ना, खाना लग गया है। श्योर आंटी, यू आर क्यूट। थैंक्स ब्रो। वाओ, यू आर क्यूट। थैंक्स ब्रो। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी थाली में इतना सारा खाना देखा है। पुष्पेंद्र जी ज्यादातर डाइट पे रहते होंगे ना, तो इस टाइप का खाना मतलब बहुत दिनों बाद खा रहे होंगे। इतने दिनों बाद? यस यस बिल्कुल, मैं अभी खाना शुरू करता हूँ। आ
आज तो दबा के राजमा खा सकते हैं क्योंकि मैंने भर भर के हींग डाली है, तो गैस तो हो ही नहीं सकता। गाइए गाइए। अरे देवर जी आप कब आए? बताया नहीं हमको? अगर तुम्हें बताया होता भाभी तो उस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती। ऐसा क्या आपके फंडे नोच लिए गुग्गू ने? देखिए एज एन इंडिविजुअल मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मेरे सारे रिलेटिव सक्सीड करें जिंदगी में। मैंने अपने भाई के लिए ट्रैवलिंग किया, स्कूल में एडमिशन कराई लेकिन मैं वहां से भाग गया। इनफैक्ट आई इन्वेस्टेड 50 करोड़ रुपीज इन हिज बिजनेस। आई मीन 5 करोड़, माई मिस्टेक। 5 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किए लेकिन वो भी फेल। आई एज एन इंडिविजुअल मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे रिलेटिव बहुत सक्सेसफुल हों, बहुत अच्छी जिंदगी जिए, और यही मेरा फर्ज है अपने रिश्तेदारों की तरफ। सो स्वीट पुष्पेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि जिससे आपके रिश्ते की कन्नी जुड़ेगी ना वो पतंग आसमान छुएगी, isn't it पापा? That's very sweet of you, Raichi. That's very sweet. मैं रुक गया ना कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकता। Thank you so much, दो। अच्छा, जब इतना पैसा है तो तारीफ करने के लिए 2-4 मुस्टंडे धर लो। वो क्या नाम है मुरारी, मैं अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप मेरे रिलेटिव होते तो आई वुड हैव मेड श्योर कि आपके दिल्ली में कम से कम 10 दुकानें हों, 45-420 की। मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस देता, दुबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, हर जगह आपकी दुकान 45-420। चलो अरे करो, देख रहा पुष्पन जी की थाली में बिल्कुल घी ना है, थोड़ा एकदम पेल का डालना जरा। हाँ डाल दे। अरे तू कंजूसी मत दिखा। खाइए, अब खाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साला कमीना भुक्कड़ ठूंस रहा है, पूछ भी ना रहा है एक बार खाने के लिए। पुष्पन जी मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, सच कह रहा हूँ। मतलब सुधामा को एक कृष्ण तो चाहिए ही होता है, और फिर ऐसा अमीर होने से क्या फायदा जो अपने आसपास के लोगों की जेब ना भर पाए। आपने लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों का खून चूसते हैं, पैसे जो अपने पिछवाड़े के नीचे रखते हैं। ऐसे भी होते हैं जो ना मतलब लोगों की तनख्वाह काटते हैं। ऐसे लीचर, कुत्ते और कमजोर लोगों को बेल्टों से मारना चाहिए, और इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देना चाहिए। पुष्पेंद्र जी बुरा ना मानिए, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए आपने इतना सारा कमाया है तो कोई तो लुटाने के लिए, मेरा मतलब है कि संभालने के लिए तो चाहिए ना। श्योर, लेकिन वो क्या है आजकल अच्छी लड़कियां बनना बंद हो गई हैं, मान ले कोई लायक लड़की है ही नहीं। हाँ इलायची देखिए कितनी अच्छी लड़की है मेरी, इसके लिए इतने सारे रिश्ते आए लेकिन इसके सामने एक ना टिका। इलायची अरे पुष्पन जी से थोड़ी बातचीत कर। जी एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई नीड टू लीव राइट नाउ, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वो डील क्लोज करनी है, सो आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा, बट इट वाज अमेजिंग, लवली फूड, लवली पीपल, ओ माय गॉड। लेकिन ये डील तो फाइनल ना हो सकी, इस डील को फाइनल करने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। हाँ लेकिन आप आई गॉट गो ब्रो, आई मीन आई हैव टू गो मिस्टर मुरारी, सी यू, ओके गुड बाय बाय। क्या कर रही है तू? जा टक 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 टक। मैं बहुत नाराज हूँ कि आपने सारा घी उनकी प्लेट में डाल दिया, मुझे तो नहीं दिया, मैं नहीं खा रही। करो इसकी थाली में डाल देगी। अरे तो बेटा ये पुष्पेंद्र की थाली में खा ले, बाद में तो उनकी थाली में खाना है, खा ले। तू खा ले पुष्पेंद्र की थाली में। थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रो। कल के दिन तेरी सारी पोले खुल जाएंगी कि थैंक्स ब्रो का मतलब ही ना मालूम है, पता नहीं कच्चा सुन लिया इसने। क्या है बता थैंक्स ब्रो का मतलब? मेरे तो भाग्य फूट गए। ये जंगल ठीक रहेगा, पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी हाँ, आप ना खामा खा कुल्हाड़ी मंगा ले, इससे अच्छा पानी की बोतल मंगा लेते, कम से कम पीने का तो काम आता। अच्छा
नांगीला तेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब शेर पिंकी जी के सामने आता तो पिंकी जी उसे अपनी बोतल दे देते और ये कहते कि ये लीजिए शेर जी बोतल, पिंकी जी को खाने के बाद अपने मुंह का कुल्ला अच्छे से कर लीजिएगा वरना दांत खराब हो जाएंगे। कितना अच्छा होता साहब जी, मतलब साहब जी हम खामा खा जंगल में भटक रहे हैं, इससे अच्छा तो थाने में मजा आता ना। मंगीलाल क्या बात करी है तू, पिंकी जी थाने में कैसे रुकते, वो गुरु जी की भविष्यवाणी याद नहीं है क्या कहा था उन्होंने, दोपहर को पिंकी जी की पिटाई होने वाली है, यहाँ किसी की नजर पिंकी जी पे पड़ेगी नहीं और पिंकी जी पिटेंगे नहीं, बाकी जंगली जानवरों के लिए तो कुल्हाड़ी है ही पिंकी जी के पास, यहाँ कोई पिंकी जी का बाल तोड़ भी नहीं कर सकता। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण सुरक्षित करो। जी जी सुरक्षित करो। ये देखो भाइयों, पर्यावरण का खूनी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया है। अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे साहब, ऐसा है पिंकी जी तो यहाँ पेड़ काटने नहीं, जानवर मारने आए हैं। अच्छा, यानी पेड़ों की तस्करी के साथ शिकारी भी है। भाइयों इसे इतना मारो ना कि हाथ में कुल्हाड़ी लेने से पहले ना 10 बार सोचे, मारो इसे, सुरक्षित करो। जंगल तस्कर उड़ गए बाहर, जंगल तस्कर उड़ गए बाहर। पिंकी जी ना कोई महली कुचैली मतलब चादर ना हो रखे तो ऐसे धो के चले गए, पिंकी जी इनकी धुलाई वैसे तो झेल लेते पर इनमें से कोई था, कोई एक था जो अपने आप को घिसियानी बिल्ली समझ रहा था और पिंकी जी को खंबा ऐसा नोचा उसने कि आए पिंकी जी जी। साहब जी मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं ना नोचता ना तो पब्लिक मुझे नोच डालती। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, अब जंगल में रह बेटा। अबे बम बम सेठी पंचम, ये बता तेरे पेट में ये कड़ी उबल रही है क्या है जो तेरे मुंह से एकदम बुलबुले उठ रहे हैं बहुत तेजी से? नहीं वो बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे, तूने खाना ना खाया फिर भी तू डकार ले रहा है? खाना तो तेरे भाई पुष्पेंद्र ने खाया था, वो हींग वाला राजमा, लेकिन तेरे मुंह से हींग की खुशबू आ रही है। हाँ वो सेठ जी दरअसल क्या है कि वो होता है क्या है ना, हम लोग जुड़वा है तो हमारे बीच में अक्सर ऐसा होता रहता है, वो कुछ नुकसान भी है जुड़वा होने के, करता वो है भरते हमें मच्छर उसे काटते हैं खुजलियां में होती है, खाता वो है डकारते हमें मतलब पिटता वो है दर्द हमें होता है ऐसा मतलब। चल वो सब छोड़, मैं तुझसे ये कहना चाह रहा था कि अगर तेरा भाई पुष्पेंद्र और मेरी बेटी इलायची का रिश्ता हो जाए मतलब दोनों की जोड़ी बन जाए तो कैसा रहेगा? बेटा आसानी से हाँ बोल दिया ना तो सेठ जी को शक हो जाएगा, थोड़ा घुमाना जरूरी है। क्या सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कहाँ वो पशु ये पैरों के पास और कहाँ हमारी इलायची जी सेठ जी? नहीं एक बार बताऊं तुझे, पहले तो तू अपने भाई को पशु कहना बंद कर दे, अबे खराबी क्या है उसमें? देखिए सेठ जी आप उसकी असलियत नहीं जानते। अब ये मत कहियो कि पुष्पेंद्र पुष्पा है। नहीं ऐसा हमारा वो मतलब नहीं था सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि पुष्पेंद्र शादी करने लायक लड़का है ही नहीं। अच्छा, दिखने में इतना अच्छा है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, ग्रेटर कैलाश में बंगले हैं, स्वभाव से इतना अच्छा है, इतना अच्छा पैसा कमा रहा है वो, और तू कह रहा है शादी करने के लायक ना है? वो लोगों की कदर नहीं करता सेठ जी। अरे तो कुछ ना होता, इलायची जो है भगवान से भी कदर करा लेगी, इंसान तो दूर की बात है। नाक ऊंची करके घूमता है। अरे तो नाक नीचे करके तो कुत्ते घूमते हैं, इंसान थोड़ा ही घूमते हैं बेटा। सेठ जी पशु की रग रग में पैसा दौड़ता है, बस पैसा। हाँ तो जब बीबी खून चूसेगी तो दांतों में जो है नोटों की गड्डी आ जाएगी। सेठ जी वो नोटों की गड्डियां आपके मुंह पे मारेगा। बेटा यही बात के लिए तो मैं उसे बार बार उकसाऊंगा। सेठ जी आप समझ क्यों नहीं रहे, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं आप, वो शादी करने लायक लड़का है ही नहीं। नहीं सेठ जी नहीं। ये सही है, अब सेठ जी को शक नहीं होगा और तुरंत रिश्ता पक्का कर लेंगे। सही कह रहे यार तू,
भाई मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, है? इसके बारे में तो मुझे करू से बात करनी पड़ेगी। सुन, तू पहले गुप्ता के यहाँ से जाके पैसे ले आ जा, मैं जरा बात करता हूँ तब तक करू से। कभी कभी लगता है इंसान तो ठीक ही था हमारा भाई वैसे। चलिए ठीक है, ओके सर जी। कुछ करो। क्या हुआ, क्या बात हुई इलायची के पापा, क्या कहा पंचम ने? पंचम ने मुझे बताया कि उसका जो भाई है ना पुष्पेंद्र, वो एक नंबर का खड़ूस आदमी है, बिल्कुल भी स्वभाव से अच्छा ना है, पैसे का घमंड है, सीधे वो बात ना करता किसी से, समझ रही है तू? घमंड सर पे लेकर घूमता है। अब तू सोच ले, ऐसे आदमी से मैं अपनी बेटी इलायची की शादी कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब उस पुष्पेंद्र से मैं अपनी बेटी इलायची का रिश्ता ना करूंगा। भगवान भला करे पंचम का, इतने समय से यहाँ काम कर रहा है लेकिन झूठ बोल के हमारी लड़की को ना फंसाया, तेरे तो भाग ही खुल गए। तो है। जीजा जी क्या कर दिया आपने, लाइफ में टंटे हो रखे हैं।